హస్తో ప్రక్షాళనం శరీర శ్రీకేశాయ నమః శ్రీ గోవిందాయ నమః. आज हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन करने जा रहे हैं, जो कि यह देवलोक संकट मोचन गायत्री मंदिर विद्युत बोर्ड कॉलोनी में अवस्थित है. यहाँ पर हम लोग सभी के कल्याण के लिए यह हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम श्री सत्यनारायण भगवान का कथा. बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय. अक्षत फूल लेकर के आप जल पात्र में डालेंगे. ॐ गङ्गेति जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा तीर्थावयामि सर्वतीर्थेभ्यो नमः. कुमकुम डाल करके चला देंगे. सर्वतीर्थेभ्यो नमः आचमन्यम. भाई यहाँ से दाहिने हाथ में लेकर के जल को पी लें. ॐ केशवाय नमः. ॐ नारायणाय नमः. ॐ माधवाय नमः. हस्तौ प्रक्षालनं श्री ऋषिकेशाय नमः. श्री गोविंदाय नमः. हाथ में अक्षत फूल लेंगे, भगवान जी का ध्यान करेंगे. ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र वृद्ध सर्वा स्वस्ति न तोखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता अरिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु प्रिकरस्व मारुतः प्रेष्णि मातर सुभञ्जावान विदधे कुजग्मय अग्निरधियम नो देवा अवसागमन्यः भद्रं करणे विष्णुम देव भद्रं पश्यमाक्ष विजजत्रः स्थिरै रङ्गै तस्य वाग्वं ससणो विश्वसे मयि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो आन्ति देवा जत्रान सचका जरसन्तनो नामः पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकतारे गन्तः यदि तीर्थ आदितरमन्तरिक्ष माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवः आदितिर पाञ्च जन आदितिर जातमतिर जने त्वम् ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रोगदय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वे देव शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयङ्कर शान्नः कर प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यो सुशान्तिरभवतु सर्वारिष्टशान्तिरभवतु. भयं में अक्षत फूल लेंगे, दाहिना से छोड़ेंगे. श्रीमण महागणाधिपतये नमः. श्री लक्ष्मी नारायण अभ्याग नमः. श्री उमामहेश्वर अभ्याग नमः. वाणी हिरण्यगर्भाभ्याग नमः. सचि पुरंद्राभ्याग नमः. मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः. इष्ट देवताभ्यो नमः. कुल देवताभ्यो नमः. ग्राम देवताभ्यो नमः. वास्तु देवताभ्यो नमः. स्थान देवताभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः. अपने आसन को प्रणाम करें, जल तीन बार वहां छोड़ें. ॐ आपाकुर्वन्तु ते भूता ये भूता भूत स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्य ते नश्यन्तु शिवाज्ञः. फूल में लगा करके सब चीज चढ़ा दीजिए पृथ्वी माता को. सर्वोपचारात् गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पृथ्वीभ्याय नमः. प्रार्थना कर लीजिए. ॐ पृथ्वी त्वं घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासणम्. श्री पृथ्वीभ्यै मां प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि.
दीपक प्रार्थना अक्षत फूल लेकर दीपक आप प्रार्थना करें। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीपो ज्योतिर नमस्तुते दीपाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालनं श्री ऋषिकेशाय नमः श्री गोविंदाय नमः। अक्षत फूल लेकर के गौरी गणेश का मंगल पाठ करेंगे। ओम शंखश्च एकदंतश्च कपिलो जगज कर्णक लंबोदरक्ष विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशहितानि नामानि जपठे सुरण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यसुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्रयम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिर्जा गृहयुगम स्मरामि लाभस्तेषां जयतेषां कुस्तेषां पराजय येषाम् इन्द्रो वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुर्मा निर्मितिम् अनन्यासिचन्द परियोपासते तेतानां युक्तानां योगक्षेममाम्यं स्मरते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरगम तमजं नित्यं वज्रामि शरणं हरिं विश्वेश्वरं माधवं दण्डं दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गुह्यां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एतत् प्रधान देवता श्री गणेशाम्बिकेभ्यो नमः। संकल्प पान पत्ता, पान के पत्ता के ऊपर अक्षत फूल पैसा सुपारी जल लेकर के संकल्प करें महासंकल्प। अक्षत फूल पैसा सुपारी जल इन पांच चीजों से संकल्प किया जाता है। जल ले लिए, बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञाय प्रवर्त मानस्य ब्राह्मणोनि द्वितीये प्रारधे श्रीश्वेत वारह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाभिन सतीतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्जावर्तैक देशांतर्गते बिहार प्रांते पाटलिपुत्र नगरे गंगाय दक्षिण भागे विद्युत बोर्ड कॉलोनी देवलोक संकटमोचन गायत्री मंदिर परिसरे सर्वदेवता सर्वदेवी समक्षे मासानां मास उत्तमे मासे शुभे मासे मंगलमे मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे शुभे पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे भारद्वाज गोत्र उत्पन्नोहम अजय कुमार शर्माहम सपत्निकोहम सकल परिवार कल्याणार्थे सकल समाज कल्याणार्थे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल
प्राप्ति कामनः मनोकामना सिद्ध्यारथे भूत पिशाच दैहिक भौतिक ताप निवर्तर्थे सकल मनोकामना सिद्ध्यारथे बुद्ध्या बुद्ध्या बुद्धि धन स्थिर लक्ष्मी शरीर आरोग्य कृत्वरथे श्री गौरी गणेशाम्बिका श्री शंकर माँ पार्वती नवग्रह देवता कुल देवता स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता पंचपाल देवता दशोद्रिपाल देवता सर्व देवता सर्व देवी मंदिर प्रतिष्ठित सभी देवता देवी पूजनम करिसे तद श्री सत्यनारायण प्रभु कथा संकल्प अहम करिसे साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविध हेतु समस्त मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभु पूजां गृहाण प्रभु। पच्छत फूल हाथ में लेंगे, गणेश जी का स्मरण ध्यान करेंगे। खरवम अस्थूल तनुम गजेन्द्र वदनम सिंगार लंबोदरम सिंदूरार्चित जगेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरम दंताघात विदारी तारी रुधिर सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सुता सुतम गणपति अंबिके अंबालिके नमानयति कश्चन ससत्वक सुभद्रिकां कां तिलवासिनीम् श्रीगणेशाम्बिके व्योम ध्यानार्थे अक्षताणि पुष्पाणि समर्पयामि। प्राण प्रतिष्ठा, अक्षत लेकर के प्राण प्रतिष्ठा करें। ओम नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृतेय वज्रायणी यथा प्रणता स्मताम्ब ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्वका सुभद्रिकां कांपिलवासिनीम्। बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाहिना से छोड़ेंगे गौरी गणेश जी को प्राण प्रतिष्ठा। अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राण चरन्तु च अस्यै देवत्वम् अर्चयि च मामहेति च कश्चन ओम मनोरजो मम पूजा गृहाणं भव। तीन बार जल गणेश जी को स्नान पाद प्रक्षालन। ओम देवस्वता सविता प्रसन्ना भव्यम अष्टाभ्यम पुनराचमन्यम पिष्टसभ्यम एतानि पाद्याचमन्यम पुनराचमन्यम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिके भ्यो नमः। पंचामृत स्नानम महाजनज सरस्वतीमपि जयन्ती स्रोतस सरस्वती तु पंचदा स्वदेशे भवत सरितः। पुनः जल पंचामृत स्नानार्थे सुदोदक नमस्कारम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिके भ्यो नमः। शीतवात संत्राणां लज्जाय रक्षणं परमं देहलक्षणं वस्त्रमत शान्तिं प्रयच्छमे। जल उपवस्त्रान्ते जलं आचमन्यं समर्पयामि। गंधत चंदन अवीरभुक ओम श्री अखंड चंदनम दिव्यं गंडाडीसु मनोहरं वीलेपणं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृहताम्ब श्री गणेशाम्बिके भ्यो नमः। जग्योपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जा सहज पुरोस्तात् आयुस्समग्रया प्रतिमोक्ष सुभ्रम जग्योपवीतं बलमस्तु तेज जग्योपवीतान्ते जलम आचमन्यं समर्पयामि। अक्षतासुर श्रेष्ठ कुमकुमा कथा सुशोभिता हरिद्राजी समन्वितं नाना परिमलं द्रव्यं गृहाय परमेश्वर। धूप दीप अगरबत्ती
कुंभनस्पति रसोद भूत गंडाड़ गंधौतम आग्रे सर्व देवान धूपोयम प्रति गृहताम धूपम दीपम दर्शयामि श्रीगणे सांबिके भ्यो नमः। नैवेद्य फल मिठा निकालिए। केला और लड्डू कुछ दीजिए। वनस्पति गंडाण गंधोत्माग्रे सर्वदेवान धूपोयम् प्रति गृहताम् उसमें विशेष अर्घ चंदन फूल उसमें डालिए, द्रव्य सिक्का डालिए, दुबी डालिए, फिर फल उसमें केला रख लीजिए, जल ले लीजिए। विशेष अर्घ गणेश जी को भगवान जी को अर्पण करना है, अंजलि में लेंगे और बोलेंगे रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कृता त्राता भवर्णवात दयमातुर कृपा सिंधु खान मात्र ग्रज प्रभु वरदस्वतम वरम देहि वाक्षितम वाक्षितार्थ अनेन सफला अर्घेन वरदो अस्तु सदा मम। विशेषार्घं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिके भ्यो नमः। आरती दिखाइए कपूर का। गणेश जी का आरती करेंगे। ओम इदं गं हरि प्रजनन मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकाय वायसानि अग्निः प्रजलं बहुलामे करतवन्न पयोरेतो आस्मासो दाता ओं चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायश्च
प्राणिश्च मुखाद नीर जायत तो महाराज की सिंचति जल वहां दे देंगे। पच्छत को लेकर के पुष्पांजलि करें। ओम जगेन जगमय जंत देवास्थाने धर्माने प्रतमान्या सन्नह देहनाकम महिमान सतंत यत्र पूर्वे साध्या शांति देवाः नाना सुगंधीनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाण गणेश्वर गृहाण परमेश्वरी प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा हस्ते हस्ते। प्रार्थना अच्छत को लेकर प्रार्थना करेंगे। ओम गणेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकल यजगधिताय नागाननाय श्रुति जाग्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पर गणेश्वराय सरदेश्वराय सुभद यसुरेश्वराय विद्याधराय विकट यच वामनाय भक्त प्रसन्न वरद य नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय नमस्ते विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्व स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक त्वं विघ्न शत्रु दलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फल प्रदेति विद्या प्रदेत गारेति च अस्तु मान्ति देव्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्त वीर्या विश्वस्य बीजं परमसीमाय सममोहितं देवि समस्तमेतत् त्वव वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् स्वामीश्वरी देवी चराचरस्य श्री गणेशाम्बिके भ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। एक बार जल देंगे। गणेश पूजने कर्म यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सदा मम अन्या पूज्या गणेशाम्बिके प्रियतां नाममम। कलश के पास जमीन का स्पर्श कर लेंगे। ओम भोरसे भूमिरसे जितिरसे विश्वधाय धात पृथ्वीअंग अच्छा छोड़ेंगे कलश के नीचे। ओम धन्यमसि धनि देवान प्रणत जनायत धन्यमसि कलश को छू देंगे। ओम अधिग्रम कलशा मरित्वम कलश में जल डालेंगे। ओम वरुणता वरुणते सति वरुण देशस्य कलश में चंदन डालें। ओम तं गंधर्वा अकने विदसे विरस्तम सोम राज विद्वान वक्षत दुग्गी डाल देंगे। ओम कांडा कांडा परोरांति परका परकस परिवान प्रतेन च सतेन च अम्र पल्लो डालेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। यति कश्चनाश सत्प्रकाशभद्रिकां कांतिरवासिनीं आम्रफलं समर्पयामि श्री कलशाधीष्ट देवता भ्यो नमः। सुपारी डालेंगे। ओम जापानी रजाय बलाय पुष्पा जास्पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुतास्तानामुच्चतगं हसः द्रव्य डालेंगे। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासित तदारं पृथिवीं धामत कस्मै देवाय हरिकविधिम् पूर्ण पात्र। ओम पूर्णाधरभिः परापत सुपर्ण पुनरापत वस्तेन विघ्नमः एकमर्जः सक्रतो। ओम जापनिरजाय पलाय पुष्पा जाप पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुतास्ता नामुच्चत गंहसः
श्री कलश देवताई भ्यो नमः। कलश में सभी देवी देवता का आगमन हो गया। कलश पर छोड़ दें, एक माला पहना दें, कलश में सभी देवी देवता आगमन हो गया। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्ते चितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋगजुर्वेद सामवेद कर्मणांगश्च सहिता सर्वे कलशमतु समाश्रिता नत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयंतु देव पूजार्थ दुरित छय कारक गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सर्वे तीर्थानि जलदानदा आयंतु मम शांति दुरित छय कारक। प्रार्थना करें कलश कर। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेताराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। श्री वरुण देवता सांग सपरिवार सायुधाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। एक पत्थर के धोनी में शिव पार्वती जी का पूजन करेंगे, शिव पार्वती जी का ध्यान करेंगे। अच्छा तपकुल और बेलपत्र लेकर के ध्याये नीतम महेश समरजत गिरिनिभम चार चंद्रा वत समरतना कलपोज्ज्वलंगम परसुमिर्गवरा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समनतातसुतमृगणेर व्याघ्रकृतिम वसानम विश्ववाद्यम विश्ववंदम निखिलभयहरणम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम श्री शांब सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थ्यक्षतानि पुष्पाणि बेलपत्राणि समर्पयामि। पुनः सभी चीजों से बारी बारी से आप पूजन करेंगे। रत्नै कल्पितमासनम् हिमजलये स्नानम् च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितम् मृगमोदाङ्किताम् चन्दनम् जाति चापकबेलपत्र रचिताम् पुष्पाम् च धूपाम् तथा दीपाम् पशुपते हतकल्पितां गृहतां स्ववर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रं घृता पायसं दक्षा पाच पयोदधि युक्तां त्र्यम्बफलां पानकं सकानामयुक्तां जलां रुचिकरं कर्पूरखाण्ड जलम तांबोला मनसामय विरचिता भक्त प्रभु स्वीकरु छत्रां चामरयोरायुग गजनकां चादर्शक निर्मलम मीरा वेल मृदंग का हलकला गीतम श्रणीतां तथा साष्टांगं प्रणति अस्तुतिर बहुविधा हेतु समस्तमय संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजं गृहाण प्रभु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा सहचरा प्राण शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि अस्त्रोत्राणि सर्वागिरो यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवाराधनं करचरणं कृतं वा कयजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं मापरालं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। प्रार्थना अच्छा भूल लेकर के हाथ में प्रार्थना करें। कर्पूर गारं करुणावतारं
शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्रयंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। एक बार जल देंगे अन्य पूजा श्री पार्वती प्रियंताम नमामम। अक्षत को लेकर मां गायत्री विराजमान है, उनका प्रार्थना कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधर्मस्तु ते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता हित्वा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। वीर माता गायत्री मां सातु वन भैरव बाबा भ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। अक्षत खुलेंगे, महावीर स्वामी विराजमान है, उनका प्रार्थना करेंगे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं भारतयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयं धनजवरकृष्णानु ज्ञानीरामगरगण्यं सकलगुणनिधानं भानरायणमदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीहनुमते नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। नवग्रह का एक पत्ता रख लीजिए, उसमें पूजन करें। दोनी रखिए, नौकर के लिए अच्छा तब फूल हाथ में लीजिए। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। कृष्णेन रजसा वर्तमान निवसन्न निवृत वृत च हिरण्येन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन। बाएं हाथ मिलेंगे, दाहिना हाथ से छोड़ेंगे। श्री सूर्याय नमः यहाँ गच्छ, श्री चंद्राय नमः यहाँ गच्छ, श्री भौमाय नमः यहाँ गच्छ, श्री बुद्धाय नमः यहाँ गच्छ, श्री बृहस्पतये नमः यहाँ गच्छ, श्री शुक्राय नमः यहाँ गच्छ, श्री शनेश्वराय नमः यहाँ गच्छ, श्री राहुवे नमः यहाँ गच्छ, श्री केतुवे नमः यहाँ गच्छ, कुल देवता यहाँ गच्छ, अस्थान देवता यहाँ गच्छ, वास्तु देवता यहाँ गच्छ, ग्राम देवता, पंचपाल देवता, दशोदरीपाल देवता, सर्व देवता, सर्व देवी अत्र गच्छ तरतिष्ठ मम पूजा गृहा पूजनम। सर्वशुद्ध बाल हमणि बाल स्थास्मिना सहितो शतक्ष रुद्राय कर्ण जयमालिप्ता रुद्राण गुरुपा पार्जन्य पंच नद्य सरस्वतीमपि जन्ति अस्त्रोतसा पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानार्थे सुदूरक जलम स्नानम समर्पयामि। शीतवात संत्राणाम लज्जा रक्षण परमं देह अलंकरणम वस्त्रमता शांति प्रियक्षमे उपवस्त्रांते जलम आचमन्यम समर्पयामि। चंदनम श्री अखंड चंदनम दिव्यं गंडाढ़ेषु मनोहरम वीलेपणम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहतां महा अक्षता सुरश्रेष्ठ कुंकुमाकता सुशोभिता मया निवेदिताय भक्ताय गृहाण परमेश्वर वीरम च गुलालम च चोभा चंदन मेव च हरिद्राणि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी महालत्वादिनी वे प्रभु मया हृतानि पूज्यार्थम पुष्पाणि प्रतिगृहतां महा धूपम दीपम चंद्रमामन सोजातक सूर्यो जायत श्रोता द्वयश्च प्राणिश्च मुखादं नीरजायत दीपम दास्यामि दीपान्ते हस्तो प्रक्षालनम नैवेद्यम। ओम नाभ्यासिदं तरितगं श्रीशरणौ दोषं भरतदा पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतां तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यान्ते जलम आचमन्यं समर्पयामि।
पुंगे फलम महादिव्यम नागवली दलेरुक्तम एरावी चूर्ण संयुक्तम तांबुलम प्रतिग्रह काम्मा हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत तदधारम प्रतिबिम धाम तस्मै देवाय अधिकाधिधेम्मा द्रव्यलक्षणं समर्पयामि। श्री सूर्यादिनो ग्रहादि देवतायेभ्यो नमः प्रसन्नो भव। समीपत्र ओम अमंगलानां समसमनि दुष्कृत दुःस्वप्ननाशनि समीपत्रं समर्पयामि। नवग्रहादि देवतायेभ्यो नमः। शनि महाराजाय नमः प्रसन्नो भव। प्रार्थना अक्षत को लेकर प्रार्थना। सूर्य सजमतेन्दर च पदवीं सनमंगल मंगल सदबुद्धिं च बुधगुरुश्च गुरुताम शुक्रं सुखां सां शनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततां केतुकुलस्य नतिं नित्यं प्रीतिकरं भवतु मम ते सर्वेऽनुकूलग्रहः सर्वेणु प्रसन्नाग्रह। नवग्रह मंडल देवताय भ्यो नमः प्रसन्नो भव। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। एक बार जल अनया पूज्या सूर्यादिनो ग्रहादि देवता प्रसन्नो भव। प्रियंतां नमामम। अब भगवान का स्नान होगा। तुलसी पत्र ले ले। आज हम लोग प्रभु सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करेंगे। सत्यनारायण भगवान के कथा में विष्णु भगवान का साक्षात रूप का हम लोग पूजन नहीं करते हैं। यहाँ पर शालिग्राम स्वरूप हम लोग पूजन करते हैं। इनका श्रापित हो गए थे इसी कारण से शालिग्राम स्वरूप में हम लोग पूजन करते हैं। वृंदा नाम की पूर्व में थी, तुलसी माता का पूर्व में वृंदा नाम था। उन्हीं के श्राप से भगवान विष्णु का पत्थर के रूप में हम लोग पूजन करते हैं, शालिग्राम के रूप में पूजन करते हैं। और भगवान उनको वृंदा को उसी समय यह वरदान भी दिए कि हे आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगे और हमेशा आप मेरे साथ रहेंगे। तब से हम लोग शालिग्राम के रूप में हम लोग सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन श्रवण करते हैं। तब भगवान का हम लोग स्नान कराएंगे पंचामृत में। पहले भगवान का ध्यान कर लें, एक सिर्फ पुष्प लेंगे हाथ में और भगवान का ध्यान करेंगे। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्त्रमाता सभूमिगम प्रतदशांगुलम महा श्री सत्यनारायण भगवान आय नमः। छोड़ दे भगवान हरणे नमः। श्री सत्यनारायण भगवान आय नमः। अंग पोछी समर्पयामि। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आय नमः। अंग पोछी समर्पयामि। श्री सत्य नारायण भगवान श्री विष्णु भगवान आय नमः। ओम शीतवादो संत्राणं लज्जाय रक्षणं परमं देहरंकरणं वस्त्रमत शांतिं प्रयच्छमे। तुलसी पत्रं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आय नमः। शीतवादो संत्राणं लज्जाय रक्षणं परमं देहरंकरणं वस्त्रमत शांतिं प्रयच्छमे। रखिए पैसा रहिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान आय नमः। भगवान जी को पीला चंदन रोड़ी अबीर से सुगंधित करें। श्री अखंड चंदनम दिव्यम गंडारेशो मनोहरम विलेपणम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम वीरम च गुलालम च चोवा चंदनमेव च हरिद्रारेशमन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वरः। फूल तिल जो पान पत्ता पर रख करके रखे। भगवान को अक्षत समर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए अक्षत नहीं देना है। तिल जो अक्षता सुरश्रेष्ठ कुंकुमा कथा सुशोभिता मया निवेदिताय भक्ताय गृहाण परमेश्वरः। श्री सत्यनारायण
विष्णु भगवानाय नमः। अक्षतां समर्पयामि, तिलं समर्पयामि, फूलमाला पुष्पं माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्वादिनी वह प्रभु मया अर्थानि पूज्यार्थं पुष्पाणि प्रतिग्रहतां मा। पुष्पमालां समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायण भगवानाय नमः, श्री सत्यनारायण भगवानाय नमः। धूपं दीपं ओम वनस्पति रसो धूतो गंडाड गंधोत्मा आग्रे सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिग्रहतां मा। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोता भाइश्च प्राणिश्च मुखाद अग्निरजायत आरार्तिके सिंचति। श्री लक्ष्मी नारायण भगवानाय नमः, श्री सत्य नारायण भगवानाय नमः। भगवान जी के आप ऋतु फल और मिष्टान फल मीठा ओम नाभ्य आसी दंतारिच्छकं सीस्रणौ दौ समवरत तपदभ्याम मिरदिश श्रोता तथा लोका न कल्पयन्न। ओम यत पुरुखेण हविता देवा यज्ञमतवन्तः वसन्तो शीर्षाद्यक्म शरद्दवीः। नैवेद्यं समर्पयामि फलं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते फलं जलं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते फलान्ते जलं आचमन्यं समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवानाय नमः। त्वदीयं वास्तु गोविन्दं तोभ्यमेव समर्पये गृहाणं शङ्ख भूत्वा परसिद्ध परमेश्वरः। परास्त फल वाला सब लिख दिन पीछे हो जाता पकड़ाइए और हमारा सवा जो ला कर था कुछ रख पकड़ाओ ओम नमः व्यासि दंदरि जगं से शरणाद संबर ददावद भ्याम होमिर दिदं द्रोगं गदा लोकं न कल्पयन्नः। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणं शङ्खं भूत्वा परसिद्ध परमेश्वरः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवानाय नमः। जल का आचमन कर दीजिए, पान का पत्ता, पान पत्ता सुपारी लौंग इलायची द्रव्य आसीत दधारमृदिमिं धामुत कस्मै देवाय हविक विधिं द्रव्यरक्षणं समर्पयामि श्री सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु भगवानाय नमः। भगवान जी का प्रार्थना करेंगे, अक्षत फूल हाथ में लेंगे और उस सत्यनारायण भगवान का प्रार्थना शांताकारं भुजगसेनं
पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगमं लक्ष्मीकांतां कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं शंखचक्रां सकरीतिकुंडलं चपीतवस्त्रां सरसीरोहक्षणं सहारवक्ष नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नीलांबुजं सामलको मलानं सीताशवारो पितामहो भाग्यं पांडो महासा एकचार चापं नमामि विरामं रघुवंशनातनं पापहं पापकर्महं पापात्म पापसंभव त्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव मेव माताश्च पितास्मेव त्वमेव बन्धुश्च सखास्मेव मेव विद्याद्रविणं त्वमेव मेव सर्वं मम देव देव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। पुस्तक पूजनम सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री महासरस्वत्यायेभ्यो नमः। सब चीज फूल में लगा करके माँ सरस्वती जी को अर्पण कर दें और पुनः प्रार्थना करें माता सरस्वती जी का। या को देन तो सारा हार धवला या सो ब्रह्मस्त्रावृता या वीरा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित शंकर प्रभे तेवहि सदा वंदिता श्यामा पातुक सरस्वती भगवते नियशेष जाढ्यपाहा। श्री महासरस्वत्याय भ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अजायत श्रोता दायश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायत आरातिकी सिंचति। सभी के हाथ में अक्षत फूल हो और शांति पूर्वक ध्यान पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें तथा श्रवण करें। ये 7 अध्याय में सत्य नारायण भगवान का वर्णित है। अथ प्रथमो अध्याय। एकदामन्य सर्वे सर्वलोक ही रथा सुराम्य नौमी सारण्य गोष्ठी चकोर मनोरमणम। एक समय की बात हुई कि नौमी सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर के जमा होकर के बड़ा ही रमणीक सुंदर सभा का आयोजन किए। उस सभा में यह विचार रखा गया किस कलि काल में कलयुग में कौन सा व्रत किया जाए कौन सा त्योहार कथा किया जाए जिसके करने से सभी प्राणियों का कल्याण हो जाए। यही जानने के लिए वहां पर सुंदर सभा बुलाई गई थी। उस सभा में सबसे ज्ञानी महापुरुष श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। सूत जी महाराज को आता हुआ देखकर सभी मुनिगण बड़ा प्रसन्न चित हो गए बड़े आनंद विभोर हो गए साष्टांग दंडवत किए और एक ऊंचा आसन देकर के आदर के साथ सूत जी महाराज को बैठाया गया। सूत जी महाराज को बैठाने के पश्चात बड़े आग्रह स्वरूप सभी मुनिगण पूछ रहे हैं कि हे सूत जी महाराज हम लोग को बतलाइए किस कलि काल में कलयुग में
कौन सा व्रत किया जाए, कौन सा त्योहार कथा किया जाए, थोड़े से परिश्रम करने से अधिक फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत के विषय में बतलाइए। बड़ा प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज, कहने लगे कि धन्य है आप सभी मुनिगण, सभी प्राणियों के कल्याण की बात हमसे आप लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं एक सुंदर सा सत्यनारायण के व्रत के विषय में बतला रहा हूँ, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में वर्णित है। जो भी प्राणी, जो व्यक्ति इस कली काल में, कलयुग में जदा कदा कभी कभी भी करेंगे, तो उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। इतनी बात को सुन करके सभी मुनिगण बड़ा प्रसन्नचित हो गए, फिर हाथ जोड़ करके आग्रह किए कि हे सूत जी महाराज, ये सत्यनारायण भगवान का किस रूप में पूजन होगा, पूजन करने से क्या फल होगा, पूजन में सामग्री क्या लगेगा, यह सभी बात को हम लोग विस्तार से बतलाने की आप कृपा करेंगे। बड़े आग्रह स्वरूप पूछने से सूत जी महाराज इसी कथा के विषय में जो आज हम लोग अभी कर रहे हैं, इसी के बारे में पूरी बातें बतला रहे हैं, जिसकी जानकारी हम लोग भी अगले अध्याय में प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक हम लोग ने कथा के प्रथम अध्याय तक का आनंद लिया। स्कंद प्राण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वत् कथायाम प्रथमो उत्सव। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। अथ द्वितीयोध्याय। एकदा नारद योगी प्राणगह कांक्षा प्रयत्न विविधान लोकानवर्त लोकमुपागत। इस तरह से हम लोग कथा के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में स्वयं सूत जी महाराज सत्य नारायण भगवान के कथा के विषय में पूरी बातें बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि एकदा नारद योगी, एक समय की बात हुई कि नारद मुनि तीनों लोक में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुंचे। मृतलोक उसे कहते हैं जहां हम सब प्राणी व्यक्ति रहते हैं, मृतलोक कहलाता है। जब नारद जी मृतलोक में पहुंचे तो सभी प्राणियों को, मृतलोक के प्राणियों को किस रूप में देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि तत्र दृष्टवा जना सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना कलेश्यन्ति पाप कर्म भी। जब वहां पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि जितने भी मृतलोक के प्राणी हैं, नाना प्रकार के कष्ट से, उलझन से, परेशानी से सभी ग्रसित हैं, अर्थात सभी योनि में उत्पन्न होकर के नाना प्रकार के कष्ट से, परेशानी से ग्रसित हैं। उन सब का कष्ट और दुख को देख करके नारद जी मन में विचार किए, सोच लिए कि इन सब प्राणियों का कष्ट दुख दूर कैसे होगा, इसके उपाय जानने के लिए मैं स्वयं विष्णु लोक जाऊंगा। नारद जी एक डेग में एक लोक जाने की उनकी क्षमता थी। नारद जी एक डेग में विष्णु लोक चले जाते हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान के पास। लक्ष्मी नारायण भगवान का कैसा रूप वहां विराजमान है, तो भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा विराजमान है, पूरे वनमाला से सुशोभित है, माँ लक्ष्मी चरण को दबा रही है, भगवान शेषनाग पे सोए हुए हैं। कैसा दिव्य रूप भगवान का देख करके बड़ा प्रसन्नचित हो गए, और प्रसन्न होकर के नारद मुनि भगवान का अनुनय विनती शुरू कर दिए। विनती को सुन करके भगवान पूछने लगे कि नारद जी, अचानक आप इस तरह से आकर के विनती कर रहे हैं, आपको आने का क्या प्रयोजन हुआ, क्या कारण पड़ा, आप कारण बतलाइए। बड़ा प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि हे प्रभु, आप तीनों लोक के मालिक हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे बतला रहा हूं। गया था मैं मृतलोक में, जहां पर देखा कि सब प्राणी बड़ा दुख में, कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, तो उनके कल्याणार्थ कोई व्रत कथा के विषय में बतलाइए। बड़ा प्रसन्न हो गए भगवान, कहने लगे कि धन्य है नारद जी, आपने बड़ा सब प्राणियों के कल्याण की बात कही है, हित की बात कही है, इसलिए मरा एक दिव्य कथा के विषय में बतला रहे हैं, जिस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। अति दुर्लभ यह कथा है, किसी को भी नारद जी मैं नहीं बताया था, लेकिन आज आपके आग्रह करने से उस व्रत के विषय में बतला रहा हूं, जो कि सत्यनारायण के नाम से व्रत कथा है, जो कि मेरे ही स्वरूप का वह पूजन है, विष्णु स्वरूप का पूजन है। इतनी बात जब सुने तो बड़ा प्रसन्न हो गए, आनंद विभोर हो गए, और इसी कथा
माता के विषय में भगवान से तीन बातें पूछ रहे हैं नारद जी। पहली बात पूछ रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या फायदा होता है पूजन करने से। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं नारद जी को कि दुख शोकादि समनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्यवती संतति करणम सर्वत्र विजयम प्रदम। भगवान का वाणी है, कहा हुआ यह शब्द है कि जो भी प्राणी जो व्यक्ति सत्य नारायण के नाम से व्रत कथा पूजन करते हैं उनका दुख शोक का नाश हो जाता है, धन संपत्ति की प्राप्ति रहती है, अखंड अचल सौभाग्य बना रहता है, संतान की हमेशा प्राप्ति रहती है भगवान की कथा पूजन करने मात्र से। दूसरी बात पूछ रहे हैं कि प्रभु सत्य नारायण भगवान की कथा पूजन करेंगे तो क्या सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूजा में क्या सामान लगता है। तो फिर यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम अभाविशाली चूर्णम वा शर्करा वा गुड़म तथा। भगवान कह रहे हैं कि पूजन में भगवान की कथा में गाय का दूध घी शक्कर इत्यादि वस्तु की व्यवस्था करके भगवान के पूजन को कर ले। फिर भगवान यह भी आज्ञा दिए कि यदि कोई सामग्री का अभाव हो जाए, किसी कारण से व्यवस्था नहीं हो सके तो पूजन कथा को छोड़ दे, टाल दे, ऐसा कदापि नहीं करे, यथा साध्य जो भी उपलब्ध हो गया उतने से भगवान की पूजन को करे। फिर भगवान यह भी आज्ञा दिए कि यदि कोई सामग्री का अभाव हो जाए, नहीं मिले, तो आप यथा साध्य जो उपलब्ध हो गया, भगवान यहां तक रहे कि फल मिठाई के अभाव में भी साली चावल का चूर्ण बना करके श्रद्धा भाग से उसमें गुड़ मिला करके भोग लगाएंगे तो भगवान उसे भी स्वीकार करेंगे, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये स्वयं भगवान आज्ञा दे रहे हैं, बतला रहे हैं। इस तरह की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो गए। और तीसरी बात पूछ रहे हैं नारद मुनि के, प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन में पहले किसने किया, यह भी बतलाइए। बड़ा प्रसन्न होकर कहने लगे भगवान कि एक सदानंद नामक एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे, जो कि वह बड़े गरीब ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग करके लाते थे, उसी से परिवार की उनकी जीविका चलता था। एक दिन की बात हुई कि वह भिक्षा मांगने के लिए निकले थे, बड़े थके मादे होने के कारण छायादार वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। भगवान ब्राह्मण प्रिय स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान वहां पर एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके रूप बना करके सतानंद जी गरीब ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उनसे पूछ बैठे कि आप इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हैं, आपका रोजी रोटी क्या है, आप हमें बतलाइए। वह गरीब ब्राह्मण बतला रहे हैं कि ब्राह्मणो ति दरिद्रो हम भिक्षा रते भरमयम उपायम यदि जानासी कृपया कथयम प्रभु। भगवान रूपी गरीब ब्राह्मण से बतलाए कि मेरा नाम तो सतानंद है, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, भिक्षा मांग करके लाता हूँ, उसी से जीविका चलता है, उसी से मेरा परिवार चलता है, इससे अच्छा समय मेरा कैसे आएगा, यदि इसका कोई उपाय आप जानते हो तो आप बतला दे। तो स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ थे, स्वयं भगवान थे, बतलाए कि सत्यनारायण के नाम से पूजन कथा है जो कि विष्णु स्वरूप पूजन है, जो भी प्राणी जो व्यक्ति इस कलयुग में जदा कदा कभी भी करेंगे तो उनकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। इतनी बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न चित हो गए, घर पर आकर के जो भी भिक्षा मांगने से उनको द्रव्य पैसे की प्राप्ति हुई थी उन्हीं पैसों से सभी सामग्री की व्यवस्था करके भाई बंधु के साथ मिल करके प्रभु सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन को कर लेते हैं, जिसके करने से भगवान अति प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की कृपा बन जाती है, तो सतानंद जी गरीब ब्राह्मण के कृपा बन गई, धीरे धीरे भिक्षा मांग कर लाते उससे पैसे की बचत होने लग गया, धीरे धीरे वही पैसा बचत होते होते धन संपत्तिवान हो गए और धन पुत्र से युक्त होकर के इस लोक में सुख पा करके वह अंत में सत्य लोक को चले जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कथा के दूसरे अध्याय तक का आनंद लिया। स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। इस तरह से हम लोग कथा के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं।
तीसरे अध्याय में श्री सूत उवाच एवं नारायण तो नारदाय महात्मने मया तत्कथितम विभाकर के सिर पर से लकड़ी का बोझ उतार कर रख दिए। पूजा कथा जहां हो रहा था वहां पर शामिल हो गया। पूजा कथा को बड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण किए और वहां उपस्थित ब्राह्मण से पूछने लगे कि ब्राह्मण देव हमें बतलाइए कि किस भगवान का पूजन कथा है, के पूजन कथा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, हमें जानने की इच्छा हो रही है। बड़ा प्रसन्न चित होकर कहने लगे कि प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा है, इनके कथा पूजन करने से संतति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसी कामना से इसी इच्छा से पूजन को किया जाता है। बड़ा प्रसन्नचित हो गए लकड़हारा, मन में वहीं पर धारणा बना लिए, निश्चय कर लिए कि आज लकड़ी बेच करके जो भी हमको पैसे की प्राप्ति होगी उन्हीं पैसों से मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर लिए और सिर पर लकड़ी का भारी बोझ रख करके बेचने के लिए चल पड़ते हैं। कुछ दूर ही गए थे कि भगवान की कृपा हो गई, भगवान का कथा पूजन सोचने से ही भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी लकड़ी जल्दी बिक्री हो जाती है, लकड़ी बिक्री हो गई, अधिक पैसे की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे की प्राप्ति हो गई। वो पैसा लेकर के अपने सभी भाई बंधु का सभी सामग्री के साथ सब भाई बंधु के साथ मिलकर के प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन को श्रद्धा युक्त वह कर लेते हैं, जिसके करने से भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे लकड़ी बेच करके ही धीरे धीरे वह धन संपत्तिवान हो गए, लकड़ी का बड़ा व्यापारी मन पर मान गए और वहां पर नगर में सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाने लग गए। तब से वह हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए इस लोक में सुख पा करके लकड़हारा भी अंत में सत्य लोक को चले जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कथा के तीसरे अध्याय तक का आनंद लिया। स्कंद प्राणी रेवा कंडे श्री सत्यनारायण भर कथायम तृतीयो उत्सव बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। पुनः हाथ में अक्षत ले लेंगे। अत चतुर्थोऽध्याय श्री सूत उवाच आसी दुलका मुखो नाम नीलांपति नीलांबर जितेन्द्रिय सत्यवादी देवालय प्रतिदिने धनं दत्त्वा निज संतोष युधि। इस तरह से अब हम लोग कथा के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे अध्याय में भगवान नारद जी को एक अमीर के बारे में यहाँ पर कथा बतला रहे हैं, जो कि एक आसिर दुलकामुख नामक बड़ा ही राजा थे, बड़ा धनवान थे, संपत्तिवान थे, राजा का प्रजा का ध्यान रखा करते थे, सभी तरह से परिपूर्ण रहने के बाद भी उनके जीवन में कमी थी कि वृद्धावस्था होने तक कोई संतति कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। इसी इच्छा में मन में संजो करके भद्रशिला नदी था उसी के तट पर जा करके आसी दुलकामुख नामक राजा जो थे सब भाई बंधु के साथ मिल करके प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन कर रहे थे। उसी नदी के किनारे साधु बनिया व्यापार करके बिजनेस व्यापार करके लौट रहे थे, स्नान ध्यान कर रहे थे, उनको शंख का आवाज सुनाई पड़ा, जयकार का आवाज सुनाई पड़ा। मन में विचार कर रहे हैं कि जरूर यहाँ पर किसी देवी देवता का भगवान का कथा पूजन हो रहा है, मैं भी स्नान कर लिया हूँ, मैं भी पूजा कथा में जा करके सम्मिलित हो जाऊं। ऐसा मन में विचार करके सोच करके वह पूजा कथा में जा करके साधु बनिया सम्मिलित हो जाते हैं। पूजा कथा को बड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण किए, पूजन कथा को सुने और देखे और तत्पश्चात बड़े आग्रह स्वरूप पूछने लगे कि हे राजा साहब हमें बतलाइए कि किस भगवान का आपने यह पूजन किया है और उनके पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। बड़ा प्रसन्न चित हो करके वहां पर राजा साहब बतलाए कि यह सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन है, विष्णु स्वरूपा पूजन है, इनके पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, इसी कामना से पूजन को किया जाता है। बड़ा प्रसन्न चित हो गए, मन में विचार कर लिए, धारणा बना लिए कि मेरा वृद्धावस्था हो गया है, हमें कोई संतति संतान नहीं है,
भगवान की यदि हमारे ऊपर कोई कृपा हो जाएगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन जरूर करूंगा, ऐसा मन में संकल्पित कर लिए, निश्चय कर लिए और वहां से चल पड़ते हैं साधु बनिया अपने घर की तरफ। जब अपने घर पर पहुंचे तो अपनी पत्नी लीलावती से बताए कि हे लीलावती, हमने तो भगवान का कथा पूजन संकल्पित कर दिया हूँ कि हमें कोई भी संतान होगा तो मैं भी कथा पूजन को अवश्य करूंगा, ऐसा मैंने मन में निश्चय कर लिया है, मैंने धारणा बना लिया है, ऐसा हमने सोच रखा है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के पश्चात भगवान की कृपा से समय अनुसार उस घर में एक बच्ची कन्या जन्म लेती है। जो बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उस बच्ची का नामकरण करके उसका कलावती नाम रख दिया जाता है। उस समय साधु बनिया की पत्नी लीलावती याद दिलाती है अपने पति देव को कि हे स्वामी, हे पति देव, हमने संकल्प जो आपने किया था कि बच्ची के जन्म लेते भगवान का हम लोग कथा पूजन करेंगे, बच्ची इतनी बड़ी हो गई लेकिन अब तक हम लोग कथा पूजन नहीं किए, हम लोग को कथा पूजन कर लेना चाहिए। ऐसी बात समझाने के बाद भी पूजा कथा को महत्व नहीं दिए, भगवान को महत्व नहीं दिए, पूजन कथा को टाल देते हैं, भगवती को टाल देते हैं। धीरे धीरे पूजा कथा वह टल जाता है, भगवती टल जाता है। किसका विवाह का समय शीघ्र आ रहा है, विवाह के समय में सभी सामग्री रहेगा, ब्राह्मण भी रहेंगे, हम लोग कथा पूजन को कर लेंगे, ऐसा कर करके पूजा कथा को टाल दिया जाता है, बखौटी टल जाता है। धीरे धीरे कलावती कला चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बड़े होने लगते हैं, उसी तरह से कलावती भी नित्य प्रतिदिन बड़ी होने लग गई, विवाह के योग्य हो गई। सुंदर कांचनपुरी नगर से सुयोग्य वर के साथ अपनी बच्ची कलावती का बड़े धूमधाम के साथ साधु बनिया विवाह तो कर दिए, लेकिन विवाह के समय में भी भगवान की कथा पूजन करना वह भूल गए। किसी भूल के कारण फिर भगवान नाराज हो गए और नाराज होकर के उनको दंड देते हैं। किस तरह का क्या दंड मिलता है, इस बात की जानकारी हम लोग अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कथा के चतुर्थ अध्याय तक का आनंद लिया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वर कथायम चतुर्थो उत्सव। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। शत पंचमोध्याय श्री सुतोवाच। माया सत्य देवस्य सुतं तय वर्चत ततस्तेजं गृहतं चंद्र केतुना। इस तरह से अब हम लोग कथा के पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम अध्याय में स्वयं भगवान नारद जी को बतला रहे हैं, इस कथा की पूरी बातें बतला रहे हैं नारद जी को, जो कि पंचम अध्याय बतला रहे हैं कि साधु बनिया की हर इच्छा हर मनोकामना भगवान की कृपा से जब पूरी हो गई तो भगवान की कथा पूजन वह बार बार नहीं किए तो भगवान की नाराजगी हो गई, अनरुष्टता हो गई, भगवान उनको दंड देते हैं। किस तरह का क्या दंड मिलता है, इस बात की हम लोग जानकारी अगले इस अध्याय में प्राप्त करेंगे। एक समय की बात हुई कि वह सभी को लेकर के चल पड़ते हैं बड़े भाग्य की बात हुई कि उनको भगवान दंड देते हैं। साधु बनिया अपने दामाद को ले लिए, घर का सब हीरा रत्न जवाहरात सब संपत्ति लेकर के दूसरे राज्य में बिजनेस व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर भगवान उनको दंड देते हैं कि सब संपत्ति लेकर जब पहुंचे तो उस राज्य में चंद्रकेतु नामक राजा राज्य कर रहे थे। वही चंद्रकेतु नामक राजा के घर में भगवान चोरी करवा दिए। उसी चोरी के दंड में साधु बनिया और उनके दामाद को बंदी खाने में बंद कर दिया जाता है, उनकी संपत्ति सब जब्त कर ली जाती है, आदि व्याधि से पीड़ित हो जाते हैं और उनको जेल खाने में बंद करके संपत्ति जब्त हो गई। बड़े दुख में कष्ट में अपनी जीवन को बिता रहे हैं। एक दिन की बात हुई कि इधर लीलावती और कलावती भगवान की कृपा से जितनी भी संपत्ति थी वो अभी चोरी करके ले गए। भगवान को दंड देना था, दंड देने के निमित्त सब संपत्ति चोरी हो गई। नाना प्रकार के कष्ट में दुख में अपने जीवन को वह बिता रही थी, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। एक दिन की बात हुई कि लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण प्रभु की कथा में पूजन में जाकर वह सम्मिलित हो गई। भगवान से दिव्य वरदान मांगी कि हे भगवान, हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और दामाद यथाशीघ्र घर को आ जाए,
मेरी गलती को आप क्षमा कीजिए, आप गलती को क्षमा करने योग्य हैं। तो भगवान उनकी गलती को क्षमा करते हैं और जब वहां से प्रसाद लेकर के अपने घर पर आती है तो मन में निश्चय कर ली कि मैं भी भगवान का कथा पूजन को जरूर करूंगी। ऐसा मन में निश्चय करके अगले दिन ही सभी सामग्री की व्यवस्था करके भाई बंधु के साथ मिलकर के श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन को कर लेते हैं, जिसके करने से भगवान प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, भगवान आनंद विभोर हो जाते हैं। तो भगवान उसी को स्वप्न देते हैं राजा चंद्र केतु को कि राजा चंद्र केतु, आपने जो साधु बनिया और उनके दामाद को बंद कर दिया है, जेल खाने में बंद कर दिया, उनका आपने संपत्ति ले रखा है, वो निर्दोष हैं, आपके राज्य में बिजनेस व्यापार करने के लिए आए थे, उनको आपने जेल में बंद कर दिया है, आप उनको यथाशीघ्र छोड़ दे, नहीं तो हम आपकी धन संपत्ति को नष्ट कर देंगे। तो भगवान यही जब नाराज होते हैं तो दंड देते हैं किसी न किसी माध्यम से, और यही जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उनको फिर स्वप्न दे करके छुड़वा भी रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, सत्यनारायण भगवान की कृपा है, उनको स्वप्न दिखा करके जेल खाने से छुड़वाए, जितना संपत्ति लिए थे उससे दूनी तीनी संपत्ति दिए, साथ में नौकर चाकर दिए, क्षमा मांगे कि आप राजा हैं, आप अपने राज्य में जाकर के राज करें, हमसे गलती हो गई, आपको चोर समझ बैठे, आपकी संपत्ति जब्त किया, आपको जेल में बंद कर दिया, आप मेरी गलती को क्षमा करिए, आप गलती को क्षमा करने योग्य हैं। तो भगवान उनकी प्रसन्नो भवः प्रार्थना। ॐ गंगणपतये नमः स्वाहा, इदं प्रजापतये स्वाहा, महेश्वराय भ्यो नमः स्वाहा, महावीराय नमः स्वाहा, भूताय नमः स्वाहा, ॐ ग्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा, श्रीसूर्याय नमः स्वाहा, श्रीचन्द्राय नमः स्वाहा, स्वाहाय नमः स्वाहा, श्री बृहस्पतये नमः स्वाहा, श्री शुक्राय नमः स्वाहा, शनिश्राय नमः स्वाहा, श्री राहुवे नमः स्वाहा, श्री केतवे नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, पंचपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, यशोधरपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ॐ नमः शिवाय स्वाहा, ॐ नमः शिवाय स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं युगपन्तनं भक्ष्यमामृतात् स्वाहा, ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामृतात् स्वाहा, त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामृतात् स्वाहा, महावीराय नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा, हरि भानु शशि भूमि सुतोभ्यश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु।
शीतल करणे भ्यो नमः श्री अग्नि देवताये भ्यो नमः प्रसन्नो भवः तरप्यामि सिर पर डालिए मार जामी तरप्यामि सिर पर डाली मार जामी ओम जो शांति ही अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आम शांति लोक दया शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति सुशांति भवतु बोलिए अग्नि देवता की जय मुखादग्निरजायत ॐ जय Yeah.
स्वामी जो कोई भक गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणम ओम जय लक्ष्मी रमणम गण की जय 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 श्री सीताराम सौभाग्यम परमं श्रियं पुत्रं विद्यां धनं देहि सर्वकामनाश्च देहि मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पापहरो भव सर्व कष्टहरो भव सर्व दुःखहरो भव सर्व दारिद्रहरो भव बोलिए ओम गच्छ 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 देव देवी स्वस्थान स्थिरो भव पूजा व्यंच काले च पुनर आगमन आये च हे सभी देवी देवता जो भी हम लोगों ने पूजन किया।